हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो। वीडियो का टॉपिक है ऑफ कोर्स लियो सोल ड्राइव, यानी कि लियो सोल ड्राइव का अगस्त 2024 कैसा रहने वाला है, यानी कि जो कमिंग मंथ है, अगस्त का जो महीना है 2024 में, वो लियोज के लिए क्या लेके आने वाला है। और लियोस की ये रीडिंग थोड़ी सी खास रहने वाली है, क्योंकि अगर हम सन साइन के हिसाब से देखें तो लियोस के जो डेट ऑफ बर्थ हैं या बर्थडेज हैं, वो मोस्टली अगस्त में पड़ते हैं। और अगस्त में एक पोर्टल भी ओपन होगा जिसको बोलते हैं 8-8 पोर्टल, या फिर बोलते हैं लायंस गेट। उसके लिए अलग से एक वीडियो डेडिकेट करूँगी जो लियोज के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। और लियोस का मंथ है भाई अगस्त का महीना, तो बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट है लियोस के लिए ये रीडिंग। तो अगर आप लियोस हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बाकी जो जंगल के शेर हैं उनके साथ, यानी कि जो आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी लाइफ में जिन भी लियोस को आप जानते हैं, तो उनके साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। बड़ी ही प्यारी सी छोटी सी, मैं बोलूँगी कि छोटी सी रीडिंग है, अंत तक देखिएगा इसको। और लियोज की लाइफ में ना अगस्त में क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, ठीक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ज़्यादा करना है, ठीक है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई गई ये रीडिंग है। ओवरऑल है, जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। तो जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से ना गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि हर किसी को पूरी पूरी रेजोनेट नहीं करती है रीडिंग, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना आप रखिए, बाकी किसी और जंगल के शेर के लिए रहने दीजिए। और शेयरिंग जरूर से करनी है इस वीडियो की, खासकर क्योंकि ये इनका बर्थडे मंथ है, ये लियोज की बर्थडे मंथ की रीडिंग है। सो बहुत ही खास रहने वाली है आप लोगों के करियर का, आप लोगों की लव लाइफ का। जितना मैक्सिमम एस्पेक्ट पकड़ा जाएगा उतना पकड़ने की मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। और ठीक है, सो यहाँ पे ये हो गए हैं आप लोगों के कार्ड्स। लियोज, वाओ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, गुड है, एक्सपेंशन होना भी चाहिए आप लोगों का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, दी हैंगमैन है, लवर्स, क्या बात है भाई, अगस्त का महीना आपके लिए तो लव एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा लेके आया है गाइज, क्या बात है, आई मीन क्या ही बात है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड वाओ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है दी फूल, और यहाँ पे है जस्टिस, क्या बात है भाई, जस्टिस भी साथ में ही है, दी लवर्स भी साथ में ही है। एट कार्ड्स में इतने पॉजिटिव कार्ड्स आप लोगों के आए हैं, आपके सामने है, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। सो इट मीन्स अगस्त में होने वाले हैं लियोस के वारे न्यारे। और एक चीज वैसे भी जनरली मैंने नोटिस की है, जैसे कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स भी मैं पढ़ती हूँ, तो एक चीज मैंने नोटिस की है कि जो भी किसी का बर्थडे डेट होता है ना, वो डे और उस डेट्स की सारी ही डेट्स थ्रू आउट द ईयर उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं। वैसे ही उसके जो बर्थडे का मंथ है वो भी उसके लिए बहुत शुभ होता है। तो अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अभी तक नहीं पता थी, तो फ्यूचर में इसको अपने, जिसे कहते हैं ना, पल्ले गांठ मार के रख लीजिए कि जो आपका बर्थडे डेट है ना, वो आपके लिए बहुत शुभ है। जैसे कि आपका 4 तारीख को पैदा हुए हैं, 16 को पैदा हुए हैं, ठीक है, 20 को पैदा हुए हैं, तो पर्टिकुलरली वो डेट ना किसी भी मंथ में आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। जो भी आपकी बर्थडे डेट है और जो भी आपका बर्थडे मंथ है, वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेके आता है पूरे साल में। सो लियोज का बिल्कुल सामने ही दिख रहा है, यहाँ पे है एक्सपेंशन है गाइस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एक्सपेंशन है। और मैं ना पहले बोलते बोलते रह गई थी, कितना बोल सकता है एक इंसान, ठीक है, कितनी बातें बोल सकता है कार्ड, जब मैं शफल कर रही थी कि कुछ लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, जिनका कि है एक ही चीज रह गई है लाइफ में, एक सपना है कि मुझको बाहर जाना है, मुझको बाहर बसना है। बहुत सारे लोग हैं जो परमानेंटली बाहर रहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं लेकिन अभी उनके पास पक्के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बाहर रहने वाले, वो नहीं है,
ठीक है, इसको बोलते हैं ना पक्के हो गए हैं, तो वो पक्के हो जाएंगे वहां पे जाके। बहुत सारे लोग हैं जो अपने शहर में बचपन से लेके बड़े होने तक पढ़े हैं, वहां पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो किसी और अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं, बड़ी जगह पे जाना चाहते हैं, छोटे शहर से बड़े शहर में जाना चाहते हैं, बड़े शहर से विदेश में जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए कुछ बहुत अच्छी जगहों पे प्लान करना चाहते हैं। घूमने फिरने का बहुत अच्छा आपके लिए मौका है कि आप अकेले भी जा सकते हैं, एडवेंचरस ट्रिप पे जा सकते हैं, दोस्तों के साथ जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। जिसके साथ आप जाना चाहें आप जा पाएंगे, जिसके भी साथ पर्टिकुलरली आपका प्रोग्राम है, आप अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ जाना चाहते हैं, तो वो भी चांस है, और पूरी बड़ी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं वो भी चांस है। और यही सब चीज़ें मैं बोलूँगी आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में, जो भी आप जहाँ भी जॉब करते हैं आपके करियर में भी एक्सपेंशन होगा डेफिनेटली। आप छोटे शहर में जॉब करते हैं तो हो सकता है आपको प्रमोट करके बड़े शहर में भेजा जाए, आप एक लेवल पे काम करते हैं जॉब में ना कि एक लेवल है उससे लेवल अप आपको आपका प्रमोशन होगा, या आप जॉब चेंज करेंगे तो एक लेवल अप होके आपको जॉब मिलेगी। और अगर कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है आपके आसपास जिसकी वजह से आप ये एक्सपेंशन चाहते हैं कि घर में माहौल ठीक नहीं है, यार थोड़ा सा मैं घर से ना दूर होना चाहता हूँ फॉर टाइम बींग ना, सो दैट जो बीच में जो कलेश है हमारे वो ठीक हो जाए, तो उस तरह के एस्पेक्ट भी है, वो चीज़ भी आपकी सोल्व हो पाएगी। कुछ लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव विन्स चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिशन को उन्होंने दिया हुआ है उसमें विन चाहते हैं किसी भी तरह की, तो वो पॉसिबल होगा, ठीक है। और भगवान के देने के तरीके बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं, तो कैसे होगा कोई नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन कब होगा वो बताया जा सकता है और क्या होगा वो बताया जा सकता है। तो अगस्त के महीने में बहुत ही अच्छे चांसेस, कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ एग्जैक्टली बोलूँ तो चीज़ें होंगी 8 अगस्त के आसपास, क्योंकि लायंस गेट खुलते हैं उस टाइम पे, तो आप भी तो शेर के बच्चे हैं तो लायंस गेट आपके लिए ही खुलते हैं। तो लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल हैं, हर्डल्स हैं, परेशानियां हैं, ठीक है, जो खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ना ये कमेंट भी करते हैं कि लियो उसकी लाइफ में इतना संघर्ष क्यों है, तो वेट इज ओवर, एक वीडियो आएगी इस पे कि लियो उसकी लाइफ में इतना संघर्ष क्यों है, ठीक है, तो वो आपको सुननी चाहिए, मैं बनाऊंगी तो आप देखिएगा उसको। तो हर तरह का एक्सपेंशन है। अगर आप सिंगल हैं तो शादी, वो भी एक एक्सपेंशन होता है कि शादी हो जाएगी, चाहे वो अरेंज मैरिज है जो बीच में बातें रुक जाती थी आगे नहीं बढ़ती थी, उस चीज का एस्पेक्ट है, ठीक है। चाहे लव मैरिज है तो घर वाले मान नहीं रहे थे तो वो मान जाएंगे, यहाँ पे बातें बनेंगी। 1 से 2 होने का भी कार्ड है और 2 से 3 होने का भी कार्ड है, यानी कि एक्सपेंशन है, फैमिली की भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ हमेशा पैसे की ही नहीं होती है और प्रमोशन ही नहीं होता, ये भी ग्रोथ होती है, तो इस तरह की ग्रोथ का भी बहुत ज़्यादा है। और जो भी टॉक्सिसिटी, जो भी ऑब्स्टेकल हर्डल्स आप फील करते आए हैं लाइफ में, कुछ अनवांटेड लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कुछ टॉक्सिक टाइज हो सकते हैं आप लोगों की, कोई रिलेशनशिप्स ऐसी हो सकती हैं आप लोगों की कि आप उसमें खुश नहीं है, तो आपको अगस्त के महीने में उन सब चीजों से भी छुटकारा मिल जाएगा। और ये आपकी प्रेजेंट ना स्थिति है, मैं नहीं बोलूंगी एनर्जी है, ये आपकी ना प्रेजेंट की स्थिति है, यानी कि आपकी करंट रियलिटी है ये, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलूं अगर तो करंट रियलिटी है, और हिंदी में बोलूं तो परिस्थिति है, आप ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं। अब इस कार्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने इतना बोला है इस कार्ड के बारे में, बट मैं इस कार्ड को भी देख रही थी, तो एक ऐसी परिस्थिति में, एक ऐसे दुर्भाग्य में कुछ लोगों के साथ आप ऐसे फंसे हुए हैं कि जैसे उल्टा लटका दिया हो किसी ने। और जब हम अब इमेजिन करके देखिए, अगर आपको उल्टा लटका दिया जाए तो कैसा लगता है, कैसा दिमाग घूमता है, कैसा सारा का सारा जो खून होता है वो सिर को चढ़ जाता है, कैसे एक पल का भी चैन नहीं मिलता है, कितनी ज्यादा विषम परिस्थिति बन जाती है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो आई नो लियोस कि आप उन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में रह रहे हैं अभी, आई नो दैट। इस कार्ड ने मुझे बताया है कि बिल्कुल ही उल्टे लटके हुए हैं, यानी कि ऐसी परिस्थिति जो किसी और की है ही नहीं, और आपने इस टाइम को काटा है बहुत अच्छे से, बहुत डिग्निटी के साथ। एक एक ना बुरा समय आता है, बुरा समय सब पे आता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स भी देखना जानते हैं, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं, तो आपको पता है कि हर ग्रह घूमता है और हर ग्रह घूम के हर किसी का अच्छा टाइम और बुरा टाइम लेके आता है, हर कुंडली में घूमता है, ठीक है। तो अच्छा टाइम बुरा टाइम तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है, राजा का भी बुरा टाइम आता है और रंक का भी अच्छा टाइम आता है, तो ऐसी तो कोई बात है ही नहीं कि
बुरा टाइम नहीं आता है, बट फर्क कहाँ आता है, बुरे टाइम को हम पास कैसे करते हैं, वहां सारा फर्क आता है। तो क्योंकि शेर हो भाई, डिग्निटी है आप में, आपकी डिग्निटी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका रिस्पेक्ट, लोग आपको कैसे देखते हैं, वो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो होना चाहिए। ठीक है, वो लियोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं कहती हूँ कि वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, एक कहावत है कि अपने आंसू किसी को दिखाना मत, जो भी आंसू पोछेगा ना बाद में कीमत मांगेगा उस चीज की, तो बेटर है कि अपने आंसू दिखाओ मत। और आप तो प्रोफेशनल हैं इस चीज में, लियोस, माय लियोस सोल ट्राइब इस चीज में प्रोफेशनल है कि उल्टे लटके हुए, हालत खराब है, पर मजाल है किसी को बताया हो, बताया नहीं है किसी को, और बहुत ही डिग्निटी के साथ आप लोगों ने ये टाइम गुजारा है। तो वो बोला है ना कि इतना संघर्ष क्यों है, वो इसीलिए है कि ग्रेट पावर्स के साथ ना ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर इतने मजबूत हो तो फिर बोझ उठाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ साथ इसको पढ़ देती हूँ, जस्टिस। हालांकि कोई कार्ड ऐसा नहीं आया है कि हमें पता चले जस्टिस किस चीज का है, बट मुझे पता है जस्टिस किस चीज का है, क्योंकि मैं लियोज की रीडिंग करते करते, मेरे को लियोज की क्या सारी ही जोड़िया की रीडिंग करते करते मेरे को साल होने वाला है, तो साल में मुझे मोटा मोटा हर राशि का क्या हाल चल रहा है, हर जोड़िया किस किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वो मेरे को, जिसे बोलते हैं ना, मुजबानी याद है, बाई हार्ट मेरे को याद है। तो ये चल रहा है आप लोगों की लाइफ में ना, कि कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो नजायज फायदा उठा रहे हैं आपके प्यार का, आपकी जेन्युइननेस का, और जो आपका दिल है बहुत बड़ा, लियोज का दिल बहुत बड़ा होता है, तो उस बड़े दिल में खंजर खोप रहे हैं बहुत टाइम से, हर तरह से फायदा उठा रहे हैं, फायदा उठा के जो है आपके ऊपर ही ब्लेम डाले जा रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं डिग्निटी में, अपनी डिग्निटी मेंटेन कर रहे हैं कि ठीक है यार, मुझे पेटी गेम्स नहीं खेलनी है, मुझे एक लेवल से आके ज्यादा नहीं बोलना है, मुझे डर्टी लॉन्ड्री नहीं करनी है, मैं पब्लिक में ना अपनी डर्टी लिनन नहीं धो सकता हूँ। ठीक है, ये सब चीजें हैं आप लोगों के साथ। तो वो भगवान तो है देखने वाला, ठीक है, आप चुप हैं, आप नहीं बोलते हैं ज्यादा, आप ज्यादा लड़ाई झगड़े में इस तरह से विश्वास नहीं रखते हैं, कुछ लोगों के साथ खासकर, लड़ तो आप लेते हैं बट कुछ लोगों के साथ, कि यार इतना भी क्या नीचे गिरना, इतना भी क्या लेवल दिखाना, इतना भी क्या मतलब सबके सामने चीजों को खोल के रख देना। तो आपकी इस दरिया दिल्ली का कहीं ना कहीं फायदा उठाया जा रहा था, बहुत टाइम से उठाया जा रहा था, तो यहाँ पे जस्टिस है। जस्टिस के फलस्वरूप कुछ चीजें आपको एज अ बोन मिलेंगी, और जस्टिस के फलस्वरूप जो पार्टी है उसको कहीं ना कहीं दंड मिलेगा, तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा जिसने भी गलत किया है। जस्टिस है आपके कार्ड्स में आया है तो आपके फेवर में है। ठीक है, जस्टिस का मतलब ही होता है जो चीज जिससे बिलोंग करती है उसको दी जाए। अगर आपकी रिश्तों में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी तो बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, अगर कोई आपको परेशान कर रहा था, ठीक है, तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अगर सिचुएशन इतनी ट्रिकी है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो आपको ही बाहर का रास्ता दिखा के ना एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में भेज दिया जाएगा। तो ये सब चीजें ना साथ में ही जुड़ी हुई थी, एक एक करके मैं आपको समझा रही थी। जस्टिस यहाँ पे आपको 100% गारंटेड है कि जस्टिस आपके फेवर में है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप किसी को बताते नहीं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता नहीं है कि सामने वाला समझ पाएगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान, एक अदद इंसान नहीं ढूंढ पाते हैं कभी। हमारी लाइफ की आयरनी है, लियोज के लिए नहीं बोल रही हूँ, जनरली बोल रही हूँ, हमारी लाइफ की ना, हमारी सोसाइटी की आयरनी है कि कभी कभी हम वो एक अदद इंसान नहीं ढूंढ पाते हैं जिसके कंधे पे सिर रख के हम रो सकें। तो हाँ, लियोज की आयरनी है, वो तो बहुतों को कंधे देते हैं रोने के लिए, लेकिन वो एक अदद कंधा नहीं ढूंढ पाते हैं अपनी लाइफ में जिस पे सिर रख के वो रो पाए। आई कैन फील फॉर यू लियोज, मैं समझ सकती हूँ इस दर्द को, मैं समझ सकती हूँ, मैं जानती हूँ, मेरा सोल ट्राइब है ना, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ हर किसी को। यहाँ पे कार्ड आया है दी फूल का, फूल का कार्ड अगेन ना, फूल का मतलब बेवकूफ नहीं होता है, फूल का मतलब यही होता है कि एक इंसान जो कह सकते हैं ना कि भोला है, तो भोले को तो भाई बुद्धू ही समझते हैं इंसान। अगर आप बहुत भोले हैं ना, और बहुत दरिया दिल हैं आप, बहुत जेनरस हैं, बहुत जेनविन हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ना उसका फायदा उठाते हैं और बुद्धू ही समझते हैं, चाहे वो शब्दों में आपको ना बोलते हो, लेकिन उनका व्यवहार आपको यही बोलते हुए दिखाई देगा कि ये तो है ही बुद्धू, इसको तो जैसे मर्जी बुद्धू बना लो, इसको जो मर्जी बोल लो, इसको जैसे मर्जी शीशे में उतार लो। ठीक है, उनको ये नहीं पता है कि कुछ लोगों का लेवल ऐसा होता है इस लाइफ में कि वो कहते हैं कि यार तेरे को अच्छा लग रहा है ना ये सब छोटे छोटे गेम्स खेल के और जीत के, ये पावर पॉलिटिक्स में आके और जीत के और मुझे हरा के, अगर तुझे अच्छा लग रहा है ना, अगर तुझे खुशी मिल रही है ना, तो मुझे तुझसे प्यार है, इट्स ओके कि तू जीत, मैं तेरी खुशी के लिए हारने को तैयार हूँ। बट ये लोग
जो आपको बुद्धू समझते हैं, इनको इनका लेवल इतना नहीं है कि ये सब समझ सके जो मैंने अभी बताया कि आपका क्या चलता है। तो इनको लगता है कि सभी को पावर चाहिए तो आपको भी चाहिए, तो अगर आप इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बुद्धू हैं और ये चालाक हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरह से ये गेम्स चलते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन ये चीज़ आपको स्ट्रोंग बनाती है फर्दर, ठीक है ना। और ये चीज़ एक बड़प्पन वाली बात होती है, और लियोज में होती है वो बड़प्पन वाली बात, जिनको प्यार करते हैं ना उनको वो थोड़ा बड़प्पन दिखाते हैं। मच्योर सोल ट्राइब है लियोज ना, लियोज मच्योर सोल ट्राइब है, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो फूल का कार्ड अगेन यही बताता है कि ये आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, और मोस्टली आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहने में बिलीव करते हैं, और हाल फिलहाल तो आप ऑथेंटिक सेल्फ में रहना चाहते हैं। सो आपके लिए गाइडेंस भी है और आपके लिए गेट गोअर भी है कि हाँ आप ठीक चल रहे हैं, ऐसे ही चलिए, आप अपनी मस्ती में चलिए। इसको अगर मैं बोलूँ तो एक इंसान जो अपनी मस्ती में चलता है, जिसको ना लाइफ की पॉलिटिक्स से, लोगों की पॉलिटिक्स से और समाज में जो चलता है, जो भी जिस तरह की चीज़ें चलती हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो बेसिकली जिसे कहते हैं फक्कड़, मस्त, अपनी मस्ती में मस्त, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और कोई चीज़ मालूम नहीं है। ये दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। मोस्टली हैं तो आप ऐसे कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आप मस्त हैं, फक्कड़ हैं, ठीक है, अपनी मस्ती में रहते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को लगता है कि आप बुद्धू हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आपको पता सब कुछ है, सब कुछ जानने के बावजूद भी एक इंसान ना किसी को इतना प्यार करता है कि चल ठीक है यार, तू जो कर रहा है करता है यार, तेरे को खुशी मिलती है ना इस चीज़ से, चल जीत जा मेरे से। जैसे वो होता है ना कि बाप बेटा जब लड़ते हैं, बेटा छोटा होता है और बाप तो पूरा बड़ा होता है, बेटा 4-5 साल का होता है, वो कहते हैं पापा कुश्ती लड़ते हैं, और बाप जानबूझ के हार जाता है क्योंकि वो उसको प्यार करता है। भाई कोई मतलब है उस टाइम पे पावर दिखाने का और बच्चे को हराने का? वो बाप की हार जो है ना वही उसकी सबसे बड़ी जीत है, और बेटे को भी एक दिन समझ में आ जाएगा। तो ये जो सारी हार हैं, ये जो सारी अलमस्ती है, ये जो सारा फक्कड़पना है आपका, इन लोगों को एक दिन समझ में आ जाएगा कि आपको सब कुछ पता था और ये आपको क्या बुद्धू बना रहे थे, कहीं ना कहीं गेम तो आप ही खेल रहे थे। तो आपको आपकी ऑथेंटिक सेल्फ में ही रहने की यहाँ पे गाइडेंस भी है और आप रह भी रहे हैं, और ऐसे ही मस्ती से चलते जाइए, ऐसे ही लाइफ को ना कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वो है आप लोगों का हाल ना, कि हर फिक्र को आप ना धुएं में उड़ाते हैं तभी जंगल के शेर रहते हैं। अगर शेर सारी लड़ाइयाँ लड़ने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सारी लड़ाइयाँ किसी के लिए भी लड़ने के लिए नहीं होती है, और शेर को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, लियोज को भी पता है कि हर लड़ाई हर किसी के लिए नहीं होती है। राजा हर छोटी 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 चीज़ के लिए लड़ने के लिए नहीं जाता है, कभी वो अपने सेनापति को भेजेगा, कभी वो किसी को भेजेगा, कभी किसी को भेजेगा। राजा कब जाएगा लड़ने के लिए? जब उसको लगेगा कि हाँ अब मेरी ही ज़रूरत है, अब मेरे बिना काम नहीं चलेगा, बड़ी लड़ाई के लिए, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को समझते हैं बहुत अच्छे से, और यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन बहुत पॉजिटिव कार्ड है, पैशनेट, पैशन का कार्ड है, एनर्जी का कार्ड है, तो आप बहुत एनर्जेटिक भी फील करेंगे अगस्त के महीने में। आपका अपना मंथ है, आपका अपना बर्थडे मंथ है, तो करना भी चाहिए। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन बताता है काम के बारे में, अपने काम में खुशी ढूंढना या अपनी खुशी से काम करना, दोनों एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से कही गई हैं, ठीक है। तो खुश रहना, अपने आसपास का माहौल अच्छा रखना, एनर्जेटिक फील करना, अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारियां थी वो भी ठीक होंगी इस टाइम पे, कोई पैसा कहीं पे स्टक मनी थी वो भी आ जाएगी, इस वाले कार्ड से बता रही है, कोई स्टक मनी का प्रॉब्लम था वो भी आ जाएगा, आपका थोड़ा एनर्जी लेवल कम हुआ था वो भी ठीक हो जाएगा, आपके रिश्तों में सुधार आएगा, आपकी हीलिंग भी होगी, आपके लोअर चक्रास जो हैं वो उनकी हीलिंग होगी, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, इंटेंशंस हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप उनको पूरा करेंगे, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, चाहे काम करके, बट एनर्जेटिक काफ़ी फील करेंगे, आपका ऑरा काफ़ी पॉजिटिव होगा। और यहाँ से अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स से भी आ रहा है कि आप ढेर सारा ट्रैवल करेंगे, वो ट्रैवल जिस मर्जी तरीके का हो, और दूर देशों का ट्रैवल करेंगे, यानी कि अगर अपने देश में भी आप घूमेंगे तो बहुत दूर दूर घूमने जाएंगे, चाहे वो काम की वजह से है, चाहे वैसे है, चाहे घूमने की वजह से, बट जैसे मर्जी ट्रैवलिंग है आपके कार्ड्स में ना, अगस्त के मंथ में ट्रैवलिंग है गाइस, ठीक है। सो आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे भी है, जिन लोगों के बर्थडेज हैं, लियोज हैं, क्योंकि अगस्त की ही रीडिंग हो रही है तो आप लोगों के बर्थडेज हैं, वेरी हैप्पी बर्थडे अपने इस बर्थडे को, अपने इस बर्थडे मंथ को, एक ऐसा बर्थडे और ऐसा बर्थडे मंथ यादगार आप लोगों ने बनाना है कि लाइफ में जब आप पीछे मुड़ के देखें तो सोचें कि यार
2024 का अगस्त आया था, उस टाइम पे मैंने कुछ ऐसा किया था या ऐसा डिसीजन लिया था कि उसके बाद मेरी लाइफ हमेशा के लिए पॉजिटिवली चेंज हो गई थी। तो ऐसा मैं आप सब लोगों से चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ करें, इस टाइम पे इसका फायदा उठाएं, ठीक है, चाहे वो लव लाइफ में है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी घटनाएं होती हैं। और आपके कार्ड्स में ना द हैंग्ड मैन, जस्टिस, लवर्स और द फूल, मतलब अगर मैं देखूं तो चार, आठ कार्ड में से चार मेजर अरकाना आए हैं, यानी कि बड़ी घटनाएं होने के भी काफी चांसेस हैं आपकी लाइफ में। तो सोलमेट अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी सोलमेट की एंट्री हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, आपके रिश्ते की बात बढ़ सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते जो हैं, जो बहुत टाइम से स्ट्रेंड थे, वो थोड़े स्मूद आउट हो जाएं। ये भी हो सकता है कि आपके रिश्ते थोड़े से स्ट्रेनुअस हुए हुए थे, कि बातचीत कम थी या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो दोनों पार्टी में से दोनों के दोनों डिसीजन लेंगे कि नहीं हमें साथ में ही रहना है, हमें साथ में ही आना है। थर्ड पार्टी अगर थी तो वो रिमूव होगी, अगेन से एक बहुत अच्छी सी पार्टनरशिप में आप लोग जाएंगे। जो लोग हैं जो सिंगल हैं, जो चाहते हैं कि कोई पार्टनर आए, तो वो किसी बहुत अच्छे सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। जो लोग सिंगल हैं और अभी सिंगल ही रहना चाहते हैं, उसमें ये उनका ही ऑथेंटिक सेल्फ है, उसमें ये उनका ही अंदर का जो एक पार्ट होता है ट्विन फ्लेम रीयूनियन, उनके अंदर ही होगा। आप लोगों में से काफी सारे लोगों के ट्विन फ्लेम रीयूनियन हो सकते हैं, आप लोगों के रीयूनियन वैसे भी हो सकते हैं कि फ्रेंड सर्कल के थ्रू भी। आप लोग एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप भी अट्रैक्ट करते हैं, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप है, ये उसका भी कार्ड होता है अगर मैं बिजनेस के थ्रू इसको देखूं। ये वैसे भी फ्रेंडशिप का बहुत अच्छा कार्ड होता है। तो लवर्स का कार्ड को आप हजार तरह से देख सकते हैं अगस्त में, अगर हजार तरह के लोग इसको अलग अलग तरीके से देखना चाहते हैं तो सबका अलग अलग है, ठीक है। ये आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है आपके लिए, ये आपका ड्रीम करियर हो सकता है आपके लिए, ये आपके लिए विदेश में जाने का जो एक सपना है, जो एक ही सपना है, तो वो हो सकता है। तो सपने साकार होने का मंथ है अगस्त लियोज के लिए, और शादी रोके, घर पे बात चलना, घर पे बात बढ़ना उस तरह से। और अगर इसको मैं वैसे भी लूं कि आप उस तरह से देख ही नहीं रहे हैं रीडिंग को, तो आपके आसपास का माहौल खुशनुमा हो जाना, प्यार से भर जाना, ठीक है, क्योंकि कुछ त्योहार भी आते हैं अगस्त के महीने में, तो त्योहार, फेस्टिविटीज, वो सब चीजें भी इंजॉय करते हुए मेरे को आप दिख रहे हैं। और न्यू लव, न्यू लवर, सोलमेट कनेक्शन, पार्टनर, शादियां, उस चीज का बहुत बहुत एस्पेक्ट है, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड आया है। छोटी मोटी घटनाएं नहीं करता है मेजर अरकाना, यानी कि आपकी रिलेशनशिप में ओवरऑल बहुत ही प्यार और सौहार्द का माहौल बना रहेगा। और यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पैसा भी आप अच्छा कमा लेंगे, चाहे वो बोनस के थ्रू है, चाहे वो एक्स्ट्रा काम के थ्रू है, चाहे वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग है, कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग को जुटाते हुए भी मुझे आप दिख रहे हैं। और काफ़ी सारी शेयरिंग है, शेयरिंग में पैसा कमाना, शेयर मार्केट से पैसा कमाना वो एक हो सकता है, किसी और स्कीम से पैसा कमाना, स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देना, यानी कि लेना और देना दोनों चीज़ें हो रही हैं। ये डिवाइन का हैंड भी आपको कुछ दे सकता है, ये आपकी प्रमोशन के बारे में भी बताता है, ये आपके जॉब एक्सपेंशन के बारे में बताता है, ये आपके करियर एक्सपेंशन के बारे में बताता है, ये आपके स्किल्स के एक्सपेंशन के बारे में बताता है। आप नई चीजें सीखेंगे, नई चीजें सीखना, नई चीजें करना, नई चीजों से पैसा कमाना और उसको शेयर भी करना। उस हो सकता है आप पैसा ना शेयर करें, हो सकता है डायरेक्ट स्किल ही शेयर करें, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ सीखते हुए और कुछ सिखाते हुए। तो हर लोग सीखेंगे नहीं और हर लोग सिखाएंगे नहीं, तो कुछ लोग सीखेंगे और कुछ लोग सिखाएंगे, उससे आपकी भी अर्निंग बढ़ेगी जब आप किसी को सिखाएंगे, या आप सीखेंगे उससे भी फर्दर फ्यूचर में आपकी अर्निंग बढ़ेगी, और आप किसी को सिखाएंगे कोई स्किल तो उसकी भी अर्निंग बढ़ेगी। इस तरह से बहुत ही प्यारा सा पॉजिटिव सा कार्ड होता है ये। और यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अब सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ने अगेन पेंटिकल्स के बारे में काफी कुछ कह दिया था, लेकिन उसके बाद नाइन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि मैं भी आऊंगा। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपने करियर में अगर आप सेफ्टी सिक्योरिटी फील नहीं करते थे, आपका वहां मन नहीं लगता था, आपको वहां अच्छा नहीं लगता था, तो वो सब चीजें ठीक होंगी, आपका माहौल ठीक होगा, वर्क फोर्स का, वर्क प्लेस का, आपका घर का माहौल ठीक होगा, आपकी एनर्जी में इंप्रूव होगा, आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, यहाँ पे पैसे पाने का जुगाड़ बहुत अच्छे से आप कर लेंगे,
और सेफ्टी और सिक्योरिटी फील कब करता है एक इंसान? जब उसके पास इनफ हो जाता है। तो आपके पास इनफ होगा अगस्त के महीने में, चाहे वो कहीं से आए, चाहे आप उसे कमाएं, चाहे कमाने के नए जरिए आप ढूंढें, लेकिन पैसे की कोई कमी आपको मैं अगस्त के महीने में नहीं देख रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा सा अगस्त का महीना है और बहुत बहुत अपना आपने ध्यान रखना है और बहुत बहुत अपनों का भी ध्यान रखना है। भैरव जी का कार्ड आया है, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। तो कोई भी किसी भी तरह के डर है, कोई भी तरह के डर होते हैं कि एडवर्सिटी का डर होता है कि कुछ बुरा होना चाहिए, अगर उस तरह का आपको डर है तो जिसको भी, जिन भी लोगों को ना बहुत डर लगता है कि अनजाना ये डर लगा रहता है, बस पता भी नहीं है किस चीज का डर है, डर है, तो आप भैरवनाथ जी के मंदिर जाके ना भैरव जी की पूजा भी कर सकते हैं। वो हर तरह की जितनी भी बेकार की एनर्जीज होती है, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जितने भी तरह के डर होते हैं ना, उन सबको दूर भगाते हैं भगवान भैरव। आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे है केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन। देखिए आ गया ना चेंज ऑफ प्लेस, आप लोगों के लिए पूरी रीडिंग में चेंज ऑफ प्लेस बहुत है पर विद कॉशन है। अब कॉशन का क्या मतलब है? नई जगह पे जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, नए एनवायरनमेंट में सब कुछ नया होगा, ठीक है? तो उस नएपन में ना किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज ऑफ प्लेस, वो तो पक्का है, पूरे कार्ड्स में आई है, भगवान शिव भी वही कह रहे हैं इन योर लाइफ की वो होगी ही होगी। तो जब ये होगा, चेंज ऑफ प्लेस जब होगा, जब ये चेंज आएगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है फॉर टाइमिंग। तो उस टाइम पे ना कॉशियस रहना है, धीरे धीरे आराम आराम से अपना काम करना है। ओवरबर्डन फील हो सकता है, ठीक है? मैंने बोला है जब भी प्रमोशन होता है, ये वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जिसका प्रमोशन होता है ना, जब उसका ट्रांसफर होता है और उसको ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो सिर्फ वो इंसान जानता है कि कितना मुश्किल उसको लगता है। तो आपको ओवरबर्डनिंग जैसा लगेगा, ठीक है? से नो एंड रिलीज बर्डन। तो अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही बर्डन डाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं, तो उन ओवर एक्सपेक्टेशंस के लिए एक सिंगल वर्ड होता है और वो पूरा सेंटेंस है अपने आप में, दैट इज नो। सिर्फ नो बोलना है, नो फर्दर एक्सप्लेनेशन इज नीडेड। कुछ नहीं देना है आगे, एक्सप्लेन नहीं करना है। उस जो भी आपको बर्डन जैसा लग रहा है, कोई भी चीज, यू आर टेकिंग ऑन टू मच, हो सकता है आप, क्योंकि लियोज है ना, मना नहीं करते हैं कि मैं तो शेर हूं, मैं तो सब कुछ कर लूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो उसमें क्या होता है, कमर टूट रही होती है बहुत बार, इतनी फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपास के लोगों ने हमारे ऊपर डाल दी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ओवरबर्डन फील नहीं करना, नो बोलना है भाई, भगवान शिव बोल रहे हैं आपको कि नो बोलना सीखो। और यहाँ पे है डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। तो आपको इनर वॉइस भी अपनी सुननी है, वही इनर वॉइस जो फुसफुस आती है, विस्परिंग करती है, जो जोर से नहीं बोलती है, जिसकी आवाज़ को आप दबा देते हो हमेशा, क्योंकि वो आवाज़ फुसफुस आती है कहीं ना कहीं, और वो सबसे अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करती है हमारी। दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द गिफ्ट ऑफ डिवाइन विजडम बेस्टॉव्ड अपॉन यू बाई शिवा। यू आर ब्लेस्ड विद एन इंट्यूटिव इनर वॉइस, क्योंकि वो जो इंट्यूशन से बोलती है, इनर विजडम से बोलती है, उसके लिए हुए फैसले ना कभी गलत नहीं होते हैं। तो वो एक ना गाइडिंग लाइट की तरह से काम करेगी आपके पाथ पे, तो उसकी आपने सुननी है। जब भी लाइफ में कहीं फंस जाओ तो उसकी हमेशा सुननी है आपने। एंड यहाँ पे है दी बर्डन, अगेन बर्डन आया गाइस, क्या बात है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या बर्डन सब सिचुएशन है जहाँ आप फंसे हुए, बर्डन 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 अगेन अगेन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे यही आपको बोलूंगी, ये कार्ड साफ साफ यही बोलता है कि नो बोलो। जब भी आपको लगे कि बहुत बर्डन आपके ऊपर डाला जा रहा है, जो आपसे बिलोंग नहीं करता है, तो उसको एकदम से आप सपाट ना बोलना सीखो। और यहाँ पे है दी माइजर है, कुछ चीजें चोरी हो सकती हैं आपकी, आपके आसपास कुछ ऐसे चोर लोग हैं जो चोरी करते हैं आपकी अटेंशन, आपकी लाइमलाइट, आपकी चीजें, आपकी ऑफिस की चीजें, आपके घर में कुछ चीजें चोरी हो सकती है। तो इनसे आपने सावधान रहना है अगस्त के मंथ में ना, कुछ चीजें लिटरली चोरी हो सकती है फिजिकली, और कुछ चीजें इमोशनली चोरी होने के चांसेस हैं, ठीक है? इस तरह के लोग हैं आपके आसपास। और यहाँ पे है एडवेंचर, एडवेंचर का कार्ड है, तो एडवेंचर का कार्ड मैंने बोला ही है कि आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पे भी जा सकते हैं। तो वो अगेन फिर से आया कि हाँ, आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जाएंगे या एडवेंचरस कुछ भी अपनी लाइफ में करेंगे, उसके बहुत बहुत हैं। और यहाँ पे है चेंज, आपकी लाइफ में चेंज, प्रमोशन, शिफ्ट, बिग शिफ्ट, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, सब कुछ चेंज हो जाना, लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ों के लिए होगा और ये बड़ा चेंज है और ये बिग शिफ्ट है, ये कार्ड छोटा मोटा नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए गाइस आप रेडी रहिएगा।
और यहाँ पे एक दो चीज़ें, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आप कभी फंस जाएं तो आप दूसरों से हेल्प मांग सकते हैं। वो दूसरे लोग जो हेल्पफुल लोग होते हैं लाइफ में वो हैं। और फॉरगिवनेस है, जो मैंने बोला है ना, वो कार्ड आया था एक जस्टिस वाला, कि अब आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जस्टिस भगवान ही आपको दे रहे हैं, तो आपको ना अब उसमें फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है। खुद को माफ़ कीजिए, सामने वाली पार्टी को माफ़ कीजिए, और माफ़ करने का ये मतलब नहीं है कि भूल जाइए उन्होंने क्या किया है, ठीक है। और माफ़ करने का ये मतलब भी नहीं होता है कि उनको दोबारा अपनी लाइफ में एक्सेस दीजिए, नो, ऐसा नहीं है। और किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत दुविधा में हैं और आंसर ढूंढ रहे हैं, तो आंसर इज़ नो। और रिकवरी है आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, हर किसी की रिकवरी है। और अगर हाँ, आपने किसी को पैसा भी दिया हुआ है ना, आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, तो वो एक कार्ड था, उसके थ्रू भी मैं बता रही हूँ, और ये रिकवरी है, पैसे की रिकवरी भी है, वो स्टक मनी आप रिकवर कर पाएंगे। सो वंस अगेन लियो सोल ड्राइव, वेरी स्पेशल हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। ये आपकी रीडिंग थी। रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ, कब कब, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने रेजोनेट की, रीडिंग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ जोड़िएक के ऊपर मैं लेके आती ही रहूँगी। और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में बहुत स्टक हैं और मुझसे किसी तरह की सलाह, सजेशन, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो मेरी पर्सनल पेड कंसल्टेशंस होती हैं, जिसका कि एक नंबर मैं कमेंट में भी पिन कर देती हूँ, और उसका वही सेम नंबर रहता है जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो उस नंबर पे फर्दर ना आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हाय हेलो कुछ भी भेजोगे तो चलेगा, तो वो मेरी टीम का नंबर है, टीम फर्दर आपको गाइड कर देगी। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।